नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण संकट काल में कानपुर को बड़ी राहत दी है। अचानक कोरोना संक्रमण का फैलना और कई परिवार में जान का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी के द्वारा ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था करके कानपुर के साथ ही आसपास के जिलों को भी बड़ी राहत शुरू की गई है। आज ऑक्सीजन की दूसरी ट्रेन भी कानपुर पहुंची है। योगी जी ने स्वयं कोरोना ग्रसित रहते हुए भी लगातार व्यवस्थाओं पर निगरानी रखते हुए व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विधायक ने कानपुर की ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड की वास्तविक स्थिति की भी जानकारी ली। ग्राउंड जीरो पर काम करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संकल्प के साथ उनके स्वभाव में है। लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराना हो, और चाहे कोरोना का बड़ा कालखंड पिछली बार आया हो, ऐसा उदाहरण पूरे देश में देखने को नहीं मिला जब उन्होंने उस संकट के भीषण समय में 24-24 घंटे इन्वॉल्व होकर के तत्कालीन 11 टीम के साथ उत्तर प्रदेश में बैठते हुए और उनके पिताजी का देहांत हुआ, जिसके अंतिम दर्शन को भी नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा करते रहे, ये उदाहरण दूसरा कहीं पेश नहीं हुआ। अभी भी आप देख लीजिए, इस कोरोना कालखंड में भी ग्राउंड जीरो पे उनके काम करने के स्वभाव को देखिए कि किस प्रकार से वो कोरोना से स्वयं भी ग्रसित और लगातार टीम 9 की मीटिंग कर रहे हैं, लगातार एक एक जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर ऑक्सीजन, कहाँ पर बेड, कहाँ पर क्या, क्योंकि ये आपदा अचानक आई हुई, बड़ी संख्या में आपदा ये आई, प्राकृतिक आपदा आई, बड़ी संख्या में आई अचानक, तो इसको तुरंत नियंत्रण करना, जिसमें उन्होंने अपने को कोविड पेशेंट के रूप में भी उस कठिन परिस्थितियों में भी अपने को उससे अलग करके और लोगों की सेवा के लिए जुटे रहे। आज भी जिस प्रकार से वो प्रत्येक परिस्थिति को और प्रत्येक स्थितियों को कंट्रोल करते हुए लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं, कि निश्चित रूप से उनका प्रेरणादायी काम है और लोगों को इससे राहत मिलेगी। बहुत ही लोगों के प्रति समर्पित रहते हुए अपनी सरकार को समर्पण करना ये सामान्य बात नहीं है, और विशेषकर तब जब वो स्वयं कोविड से ग्रसित हो। कानपुर से खबर समय जगत के लिए मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।